हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों की बहुत ही फेवरेट स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी पास्ता ले ली हूँ और इसे हम उबलते हुए पानी में ऐड करेंगे। जब पानी हमारा बिल्कुल उबल रहा हो जब ही हम पास्ता ऐड करेंगे और इसे हम 50 to 60% बॉयल कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है और इसमें हम बॉयल करते वक्त कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एक चम्मच रिफाइन ऑयल के साथ हमें इसे बॉयल कर लेना है। और जैसे ही हमारा पास्ता बॉयल हो जाएगा हम इसे ठंडे पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लें, जिससे हमारा पास्ता बिल्कुल खिला खिला रहे। आप वीडियो को फॉलो करके बिल्कुल ये आसान सी रेसिपी और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आसानी से बना पाएंगे। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरी देखें और हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके घर पर ही ये बिल्कुल डिफरेंट स्नैक्स तैयार करके रखें, बच्चों के लिए और घर में आने वाले गेस्ट के लिए, या फिर जब भी आपका कुछ छोटी सी भूख के लिए खाने का मन करे तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने ठंडे पानी में एक बार पास्ता को वॉश कर लिया। देखिए बिल्कुल खिला खिला है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इस रेसिपी में सबसे मज़े की बात है कि आपको कुछ भी बाज़ार से खरीद कर लाना नहीं होगा, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स से और घर में ही अवेलेबल सामानों से बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें पास्ता में एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। आप बिल्कुल इक्वल अमाउंट में मैदा और कॉर्नफ्लोर मिलाएं, एक एक चम्मच डालते भी जाएं और मिलाते भी जाएं। देखिए जब हमारे पास्ता में अच्छे से कोटिंग आ जाए तो फिर आप नहीं मिलाएं। तो यहाँ पे मेरे टोटल में 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाया है और इसे मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर मैदा है उसे छान लें, जिससे हमारे तेल भी गंदी नहीं होगी और अच्छे से इसमें कोट भी हो जाएगी। और कोट करने के बाद आप इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लें। फ्लेम बिल्कुल हाई ही रहने दें, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी पास्ता हमारी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे कंटिन्यूस चलाते भी रहें, क्योंकि यह प्रोसेस हम हाई फ्लेम पर कर रहे हैं तो बिल्कुल केयरफुल होकर यह प्रोसेस हम करेंगे। और जैसे ही हमें यह गोल्डन ब्राउन दिखने लगे हम तुरंत ही इसे छन्नी में निकाल लेंगे। छन्नी में हम इसलिए निकालेंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होंगे वो हमारे निकल आएंगे और बैचेज वाइज ही हम इसमें मसाला भी मिलाते जाएंगे। गर्म जब हमारा पास्ता तलकर निकलेगा जब भी हम मसाला भी उसमें ऐड करेंगे, जिससे मसाला अच्छे से उसमें कोट हो जाएगा। तो देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल गोल्डन हो चुका था, इसी स्टेज पर हमें इसे छन्नी में निकाल लेना है और इसमें जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल होंगे उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं मसाले में लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट ऐड करी हूँ। इसमें आप अपने मनपसंद के मसाले भी ऐड कर सकते हैं और इस प्रोसेस का भी आप ध्यान रखें कि बैचेज वाइज ही मसाला आप मिलाएं, ऐसा नहीं कि पूरा पास्ता छान लें फिर मसाला मिलाएं। देखिए हमारी क्रिस्पी पास्ता बिल्कुल बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और यह आइडिया आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।